So hi everyone, welcome to the channel. I'm Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan, and I'm back with another video. And I'm really sorry for not posting the videos in a continuous manner, cause I was busy with my studies. मेरे exams चल रहे थे, and again I have my PUCs and UC in some days. So उसी की वजह से, as you all know कि यार MBBS में कितना पढ़ाई का pressure रहता है and all these type of things. And for me, my studies are my first priorities. So I thought कि उसी reason की वजह से I was not able to post a video, but I was waiting कि आपका result आ जाए, and then उसके बाद मुझे video post करना था, so that I can give you information about the cutoff and for क्योंकि मुझे काफी ज़्यादा student पूछते हैं कि आपके कॉलेज की कट ऑफ क्या है, या हमें इस इतने मार्क्स हैं हमारे और ये हमें मिल सकती है क्या आपकी सीट. बट जब नीट का रिजल्ट आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज रियली शॉक्ड, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या हो गया है. एंड देन आई वाज लाइक कि अब मैं क्या क्या बोलूँ आप लोगों को, बिकॉज यार देखो इतना ज़्यादा मैंने सोचा था कि हाँ चलो 5-10 नंबर हर साल बढ़ते हैं, एंड मे बी लाइक अराउंड इतनी अगर पिछली बार कट ऑफ थी तो इतना इसमें चेंज आ सकता है. बट द सडन एलिवेशन, मतलब लाइक 30-40 नंबर का अगर एलिवेशन आ रहा है कट ऑफ में, तो इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है. एंड जो रैंक, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी अबकी बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसने पिछले साल भी दिया था, बट ड्यू टू सम रीजंस ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम. उसने इस साल एग्जाम दिया एंड ही स्कोर्ड लाइक उसने स्कोर किया 664 मार्क्स. ओके, उसके बाद जो उसकी रैंक आ रही थी दैट वाज लाइक अराउंड 18,000 to 19,000, एंड द रैंक वाज सो डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज यार 664 मार्क्स पे उसकी 18,000 or 19,000 रैंक है. एंड ही आई डोंट नो कि अब उसे गवर्नमेंट यहाँ पे राजस्थान में कॉलेज, इट्स लाइक वेरी हार्ड, बिकॉज एज यू ऑल नो कि राजस्थान में गवर्नमेंट MBBS सीट लेना ही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यहाँ का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला स्टेट है. तो इट वॉज लाइक वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी एज वेल फॉर हिम ऑल्सो, एंड दैट इज़ द रीज़न आई वॉज थिंकिंग कि यार जिन बच्चों के 650 or 640 मार्क्स या जिनके 630 मार्क्स है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी राइट, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, उन्होंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की, उन्होंने पूरे साल अच्छे से NCERT अपनी सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आई डोंट नो किसकी मिस्टेक है यार, NTA की मिस्टेक है या उनके मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है या उस किसी भी रीज़न की वजह से, बट आपका इतना ज़्यादा रैंक में चेंज, इतनी ज़्यादा लाइक आई थॉट कि रिजल्ट आएगा तब आई वुड बी एबल टू मेक अ वीडियो एंड जस्ट टू से कि कैसे क्या करना है, आप लोगों को कैसे फर्दर प्रोसीड करना है. बट नाउ आई एम थिंकिंग कि यार ये पता नहीं आप लोगों को कैसा रिजल्ट आया, आपकी क्या रैंक आई है, आप लोगों का जैसे कई बच्चे बोल रहे थे क्योंकि 630 मार्क्स या 635, 640, तो आई वॉज अज्यूमिंग कि दे विल लाइक देर आर सम चांसेस कि वो उन्हें मेरा कॉलेज मिल सके या 640 या 645 पे. बट अब जो सिनेरियो मुझे देख के लग रहा है, आई एम रियली आई डोंट नो कि कैसे आपको क्या करना चाहिए, आपको किस आपको फर्दर तैयारी करनी है एंड अगेन आपको ड्रॉप लेना है. तो मुझे उसी बात का बहुत ज़्यादा मैंने सोचा एंड देन आई एम लाइक हियर विद दिस वीडियो. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट द रिजल्ट्स. एज वी ऑल नो कि रिजल्ट्स आ गए हैं एंड द रैंक इज लाइक द रैंक चेंज इज ह्यूज, बहुत ज़्यादा रैंक में चेंज आया है, 40-50 मार्क्स का यहाँ पे एलिवेशन देखने को मिला है. एंड सॉरी फॉर द ग्लिच, एज वी ऑल नो कि मैंने आपको बोला था पहले कि जब आपका नीट का एग्जाम हुआ था उसके नेक्स्ट डे जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें आई टोल्ड यू कि देखो यार पेपर आसान आया तो सब मार्क्स सबके अच्छे आने वाले थे. बट आई वॉज नॉट अज्यूमिंग कि इतने लोगों का इतने लोगों की अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और इसमें इतना ज़्यादा रैंक का चेंज आएगा. बट जब अब हमें पता है कि रैंक का इतना चेंज आ गया तो यू हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी रैंक ये है, इस रैंक पे ये कॉलेजेस, देखो यार दुख होता है, मुझे पता है आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपके 670 है, 665 है, 650 है, बट उस पर देखो यार मार्क्स नीट में कभी भी मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी रैंक इंपॉर्टेंट होती है. और ये मुझे पता चला था अपने काउंसलिंग के टाइम पे, बिकॉज आई वॉज अज्यूमिंग कि मेरी रैंक जो 8,000 or 9,000 के अंदर होगी, बट इट वॉज लाइक 13,000 एंड एज एट माई टाइम. बट नाउ द रैंक एट 13,000 इज लाइक जिस बच्चे के 670 है या 675 के समथिंग कुछ मार्क्स हैं उनकी रैंक 13,000 में, एंड दे लाइक अब आपको सोच रहे हो आप कितना ज़्यादा चेंज आ सकता है लाइक जस्ट एक सिंगल ईयर में इतना ज़्यादा इतने मार्क्स का चेंज. सो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, देखो कॉलेज आपको सारे भरने, जो आपके ड्रीम कॉलेज है, जो भी कॉलेज आपको मतलब आपको चाहिए ना कि मुझे लगता है ये कॉलेज मुझे भले मिले या ना मिले, डजंट मैटर, हमेशा आपको भरना होता है कॉलेजेस को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कॉलेजेस सारे डिसाइड करके रखने हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको डिसाइड करके रखने चाहिए कॉलेज एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. ओके, आपको लगता है कि यार ये कॉलेज तो मेरे को मिल ही जाएगा पूरे चांसेस, अगर वो कॉलेज भी नहीं मिल रहा है तो भी जस्ट डिसहार्टन नहीं होना है, आपको सारे कॉलेज भरने हैं. एंड मैं बस ये कहूँगी यार एक बार समझ लो, भले कोई कॉलेज नया है कोई कॉलेज पुराना है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी खुद की सेल्फ स्टडी होती है. एंड फॉर मी एज वेल आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि मैं यहाँ पे हूँ, आई एम डूइंग MBBS फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड दिस कॉलेज इज़ न्यू, लाइक ये बहुत नया कॉलेज है. एंड बिलीव मी मेरी पढ़ाई में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, इवन दो वी डोंट हैव लाइक ऐसा कुछ नहीं था. शुरू में लगा था कि यार कैसे होगा, नया कॉलेज है, इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, इतने ज़्यादा सीनियर्स नहीं है गाइड करने के लिए,
तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई। मैंने अपनी सारी चीज़ें खुद सीखी, अपने टीचर्स की हेल्प ली, अच्छे से पढ़ाई की। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, कॉलेज आपको बस वो इंपॉर्टेंट है कि आपको एक गवर्नमेंट MBBS सीट मिलनी चाहिए। एंड देन मेहनत हमेशा खुद से करनी होनी, मतलब खुद से करनी होती है मेहनत। आपके पास यूट्यूब है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑल देयर टू हेल्प यू। बट द थिंग इज इंपॉर्टेंट कि आपको बस ये सोचना है कि कोई भी कॉलेज खराब नहीं होता है, सारे कॉलेज बहुत प्रीशियस होते हैं, बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे पहुँचने के लिए। आप देख रहे होंगे कि आपके इतने ज़्यादा मार्क्स हैं एंड द वॉर, लाइक ये वॉर है, जस्ट रिमेंबर दिस, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट अ गवर्नमेंट MBBS सीट, राइट? एंड हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि हाँ यार, पहले तो एक तो ये बात कर लो कि हाँ, मुझे सारे कॉलेज में से कोई भी कॉलेज मिल रहा है मुझे लेना ही लेना है, एंड मुझे गवर्नमेंट MBBS सीट चाहिए। डजेंट मैटर कि मेरी लाइक मेरी रैंक इतनी अच्छी है और मुझे इतना नया कॉलेज नहीं लेना चाहिए, इसके चक्कर में नहीं रहना। अगर एक सीट चली जाएगी हाथ से तो दोबारा प्रिपेयर करना है, इस लाइक वो अपने आप में फिर वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ ये तो हो गई उन बच्चों के लिए जिनके लाइक अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 676, 660, मतलब उनके रैंक के हिसाब से। एंड द स्टूडेंट्स वो आर लाइक कि यार मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, या मार्क्स थोड़े कम है, या रैंक बहुत ज़्यादा पीछे है, आपको क्या करना है? देखो, आपको भी काउंसलिंग तो करवानी है, काउंसलिंग आई थिंक आपको करवानी चाहिए। एंड देखो, कॉलेज मिलना ना मिलना वो बात की बात है, आपके हाथ में जो चीज़ है आपको वो करनी चाहिए, दैट इज़ काउंसलिंग आपको करवानी है। क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चे जिनके 630, 640 मार्क्स और उनके रैंक काफ़ी पीछे है, एंड दे आर डिसहार्टन कम्प्लीटली, उन्हें लग रहा है कि यार पता नहीं कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये बात छोड़ो कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग के लिए जाना है। तो उसके बाद कमिंग टू द सेकंड थिंग, वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स बहुत मतलब लाइक अराउंड 500 की रेंज में है, या फिर 500 to 600 की रेंज में है, या 610, 620 ऐसे है, एंड दे आर थिंकिंग कि हाँ यार मुझे दोबारा से प्रिपेयर करना है या मुझे दोबारा से तैयारी करनी है, तो क्या करना है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप दोबारा से प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। देखो, काउंसलिंग करवाते रहो साथ में। एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द स्टूडेंट जिनकी थोड़ी मिडिल में रैंक है, लाइक अराउंड 40-50,000 रैंक है। तो आई ऑल्सो सेइंग बिकॉज आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे होंगे, आई नो आपके मार्क्स अच्छे होंगे, बट आपको देखो यार, अगर आपको नीट करना है तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आपको लग रहा है ना कि यार कॉलेज नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं, काउंसलिंग करवाते रहो साथ में, बट अपनी पढ़ाई भी तो करते रहो यार साथ में। आपको पढ़ाई भी करते रहनी है, राइट? तो आपको पढ़ाई करते रहनी है। उसके बाद अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो इसी में आपकी हेल्प करने के लिए आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके लिए हमारे पास है नीट प्रेप एसेंशियल के NCERT अभ्यास पैच, जिसमें आपको मिलने वाले पेज वाइज NCERT क्वेश्चंस। एंड इसमें आपका क्या होगा कि आपके जो भी आपने पेजेस पढ़े हैं NCERT के, वो आपके उसी टाइम पे कवर हो जाएंगे। तो आज आपने फॉर एग्जांपल 15-20 NCERT के पेजेस पढ़े, तो आपने उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो उससे आपका वो वही का वही कवर हो जाएगा। इसके साथ में आपको इसमें स्टेटमेंट बेस, असर्शन, रीजन, डायग्राम बेस एंड मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दिस, इसमें आपको 25 ईयर की PYQ मार्क्ड NCERT मिलेगी। नाउ यू आर थिंकिंग कि इससे क्या होगा? तो देखो यार, जब अपन कभी भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी भी MBBS में भी ये करते हैं कि PYQ हमें देख के करने होते हैं, बिकॉज उससे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता चलता है। तो इसमें आपको हाईलाइटेड NCERT मिल जाएगी, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अलॉन्ग विद दिस, इसमें आपके लिए वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है हर एक क्वेश्चन के लिए, तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 299। एंड फॉर द फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स उन्हें मिलेगा AR पावर अप बूस्टर कोर्स, जिसमें कि आपको उनको सारे वैराइटीज़ के डिफरेंट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल असर्शन, रीजन है हमारे पास, स्टेटमेंट है हमारे पास, मैचिंग टाइप है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारे आपको एक जगह पर मिल जाएंगे इन द AR पावर अप बूस्टर कोर्स। एंड दिस इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट 1000 स्टूडेंट जो कि एनरोल्ड हो रहा है। एंड फॉर द स्टूडेंट फॉर थिंकिंग कि जिन्हें मॉड्यूल्स भी चाहिए हार्ड कॉपी, तो दे विल ऑल्सो गिव लाइक 8 मॉड्यूल्स अलॉन्ग विद 50 OMR फॉर द प्राइस ऑफ 499, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इन ऑफलाइन मैनर। सो दिस इज योर चांस टू गेट एनरोल्ड, सो प्लीज़ डू एनरोल नाउ इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर अगेन। एंड अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मेरा इतनी हिम्मत नहीं है, तो देखो यार, हिम्मत मत हारो। सबके साथ मतलब सबके साथ हुआ है ये जो आपके साथ हुआ है, राइट? आप अकेले नहीं हो ना। मैंने आपको हमेशा कहा था, आपका कंपटीशन सबके साथ होता है। आपका पेपर अच्छा गया है, आपका पेपर इजी आया है, नीट का पेपर इजी आया है, वो सबके लिए इजी आया है, राइट? इट्स नॉट लाइक कि वो आपके लिए इजी आया है, आपका पेपर खराब हुआ है, या आपकी रैंक नीचे हुई है। सबकी रैंक नीचे हुई है, सबको ऐसा इतना खराब लग रहा होगा, सबकी फीलिंग ऐसी हो रही होगी, राइट? सो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ चलो, पेपर खराब आया है या रैंक कम, मतलब ठीक है पेपर नहीं था अच्छा, पेपर बहुत इजी था, NTA ने पेपर का मतलब NTA ने नीट का लेवल गिरा दिया है, जो भी आप सोच रहे हो वो सब सही है, बट अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है? ऐसे रोने से या YouTube पे ऐसे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। देखो, बी प्रैक्टिकल होके सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ मुझे, अब मेरे पास एक प्लान है तो मुझे ये करना है, इसी डायरेक्शन में करूँगा। अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं प्रिपरेशन पे फोकस करूँगा। अगर मैं नीट की तैयारी, मुझे लग रहा है कि यार हाँ मैं काउंसलिंग में जाऊँगा, मैं पक्का कॉन्फिडेंट हूँ, तो उसके साथ प्लान भी रखो ना यार, तैयारी करते रहो, क्या जा रहा है? पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई तो हमेशा लाइक अपन को, वैसे MBBS में भी जाके आपको पढ़ाई करनी है, तो वाई नॉट यहाँ पे स्टार्ट कर दो दोबारा से। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार थोड़े नंबर कम है, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो यार, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपकी बार आई कॉन्ट बिलीव लाइक 89 समथिंग, या इतने बच्चों के 720 मार्क्स, कैन यू इमेजिन कि उन बच्चों के जिनके 720 मार्क्स है उन्हें भी एम्स दिल्ली नहीं मिलने वाला?
तो इससे ज़्यादा आई डोंट नो अब 700 बच्चों, मतलब आई थॉट कि 700 मार्क्स अराउंड 2000 बच्चे एट या 2200 बच्चों के लाइक अराउंड 700 मार्क्स है. सो लाइक अब क्या इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. जस्ट रिमेंबर दिस, आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है. कंपटीशन है ठीक है, अपने आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो. ओके एंड फॉर द लाइक जो भी स्टूडेंट्स ये बार बार मुझे बोले जा रहे कि आपकी कट ऑफ, आपके कॉलेज की कट ऑफ क्या जाएगी. देखो यार आपके अब इसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन देखने को मिल रहा है हर चीज़ में. मुझे लग रहा है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा चेंज आएगा. देख लेना आपकी काउंसलिंग में आपके पूरे कट ऑफ, ये पूरा जो प्रोसीजर होगा कॉलेज अलॉटमेंट का, इसमें काफ़ी सारे बड़े आपको यू नो चेंजेस देखने को मिलेंगे. मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एकदम ऊपर नीचे हो जाएंगी चीज़ें. बट अगेन आई विल ट्राई कि कितनी रैंक तक. देखो यार मार्क्स कितने भी हो, रैंक वही रहती है, रैंक ज़्यादा चेंज नहीं होती. इतनी रैंक पर अगर 10,000 पे, 13,000 पे, 15,000 पे मिल रहा है तो उतने पे ही मिलेगा वो, भले मार्क्स कितने भी हो. तो उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो पोस्ट करूँगी. एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है यू कैन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी डेफिनेटली रियली हैप्पी टू आंसर यू गाइज एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन आई अच्छे से मेहनत करते रहो, बस मैं यही कहना चाहूँगी. पढ़ाई अगर आपको लग रहा भी हिम्मत है अच्छे से करने की तो करते रहो. एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय.